तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि कल बोल रहे थे कि भैया तो 3% बैठे हैं, 97% तो हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो आज जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो एक दो लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही, अगर अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है, आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास एक दो लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज और आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो जो हुआ है, हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बताने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में, हम एक्स वाई जेड किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा, जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है, हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो, कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे, बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए, इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है, जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं, हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को बंद करना चाहते हैं, हम हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे, हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती, हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट कर रहे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है।
अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही से दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के, आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। आप सोचिए कि जहां केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का, किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है, अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है, हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, हमने कोई यह गेम छोड़ के आए नहीं है, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे, लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ, और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए।